भाई कैसे हो? राम राम। देवेंद्र अग्रवाल, सेकंड पार्ट। पहली पार्ट में हमने देखा कि कैसे फर्स्ट टाइम आपको कैलिब्रेशन करना है, प्लस कैसे इंग्लिश मिलाना है। इन जस्ट अ सेकंड आप 3 सेकंड में कैसे ला पाएंगे, इन जस्ट अ सेकंड आप इंग्लिश कैसे कर पाएंगे, इन द केस अगर आपका चाइनीज रहा तो। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो चार चैनल हैं, यहाँ से हम चार फ्रिक्वेंसी एक साथ चेक कर सकते हैं। देखो, कहने को तो ये DSO आप यहाँ पर देखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो दिख रहा है, जैसे I2C, SPI और RS-232, इस तरह के कनेक्शन की फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए है। बट जो मेनली इसका वर्क है वो I2C और SPI में। I2C में आप जानते हैं कि दो तरह के फ्रिक्वेंसी होती है, HD, SCL, जिसके लिए दो ही चैनल काफ़ी होते हैं। पर SPI में चार फ्रिक्वेंसी होती है, एक मीसो, एक मौसी, एक आपका चैनल CC, एक आपका CS बोल सकते हैं आप उसको, और एक क्लॉक। तो इस तरह से चार फ्रिक्वेंसी होती है जिसके लिए आपको ये यूज़ करने पड़ते हैं ये चैनल। और तब आपको चारों चैनल को यूज़ करने के लिए आपको ये DSO की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये आपके SPI प्रोटोकॉल को डिकोड भी कर सकता है, जो कि यहाँ पर डिकोडिंग भी दी होती है। तो यही काफ़ी अभी की डेट में रनिंग है और बेस्ट है। हालांकि इससे ऊपर भी है, नॉलेज जैसा आपका बढ़ता जाएगा, आपके DSO भी बढ़ता जाएगा और आपका ज्ञान आपको आगे लेके जाएगा। सबसे पहले मैं नॉर्मली बात आपसे ये बात करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ब्लॉकेज आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं। देखिए, ये जो ब्लॉकेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो ब्लॉक होते हैं, ये बेसिकली इनको डिवीजन कहते हैं। यहां पर आप देखिए, तो यहां पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, तो ये एक्स लाइन है और ये वाई लाइन है। ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटल है और ये आपकी वर्टिकल है। तो जो हॉरिजेंटल है ये ऑलवेज रिफर करती है आपकी फ्रिक्वेंसी, इस लाइन के पीछे। तो यहां से हम इसको बोलते हैं ये एक रिसेट फ्रिक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर ये लाइन नीचे है इस तरीके से, ठीक है, मैंने चैनल वन दबाया और चैनल वन दबाकर मुझे ये लाइन यहां पर नीचे आ रही है, तो इसका मतलब ये रिसेट नहीं है, तो मुझे इसको प्रॉपर बीच में लानी है। तो मैं क्या करूंगा, वन टाइम ये दबा दूंगा। तो जैसे ये दबा दूंगा तो ये देखिए यहां पे ये टाइम आ गया, मतलब ये समझो कि यहां से अब जो भी ऊपर जाएगा वो उसका राइज होगा और जो नीचे आएगा वो उसका फॉल होगा, और जहां तक जाएगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा, और बेसिकली इसको पीक तक जिसको बोलेंगे, जितनी पीक तक जाएगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। खैर, ये सारी चीजें मैंने कोर्स में बहुत बेहतर तरीके से बताई हैं। आप इसको कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको दी गई है, और बहुत ही कम दाम पे वो कोर्स है जिसके अंदर मैंने दोनों दो DSO बताए हैं, ये और ये दोनों DSO। अभी हम बात इसकी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं वोल्टेज की डिवीजन की बात मैं आगे किसी वीडियो में करूंगा, अभी इस वीडियो में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेटिंग में आपको बताता हूँ, यूटिलिटी के अंदर आप जाएंगे और सिस्टम के अंदर आप जाएंगे, तो यहाँ पे पावर सेट करके दिया हुआ है। ये आपका क्या करता है कि जैसे मान लो इसको मैंने बाय डिफॉल्ट किया है या लास्ट है, तो अभी मान लीजिए जैसे मैंने ये देखो, ये मैंने सेटिंग की, मैंने यहाँ पे दो चैनल भी यूज़ किया, ठीक है, ये तीन चैनल यहाँ पर देखिए, तीनों चैनल आ गए, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, चार चैनल मैंने यहाँ पर यूज कर लिए, ठीक है। देखो, चारों पर चैनल आपके ब्लिंक होने लगे। यहाँ पर मैंने सिंगल का भी बटन दबा दिया, तो ले देके मैंने इतने सारे फंक्शन मैंने यहाँ पर दबा दिए। सो भी कैसा है, तो कैसा पता चलेगा यहाँ पर, कैसा पता चलेगा यहाँ कि जब भी मैं इतनी सारी सेटिंग कर लूँ और जब मैं इसको बंद कर दूँ, ये देखो अभी मुझे काम नहीं करना है, मैं 2 घंटे बाद काम करना चाहता हूँ, तो जब भी मैं इसको ऑन करूंगा ना, तो ये उसी सेटिंग के साथ में आएगा। तो उसको कहते हैं प्री सेव सेटिंग, जो पहले से सेव है, जो लास्ट सेटिंग है। तो इस सेटिंग में है ना, आपकी सेटिंग बिगड़ती रही है। जैसे मैं मान लो I2C चेक कर रहा हूँ, मुझे 1 घंटे बाद फिर I2C चेक करनी है, तो मैं डायरेक्ट सेटिंग बिगड़नी है, तो इसको लास्ट में रख सकता हूँ। बट मैं नहीं चाहता कि वो सेटिंग वापस आए, तो उसके लिए मैं उसको बाय डिफॉल्ट पे कर दूंगा। अब आप नोटिस करो, देखो सारी सेटिंग ऑन हो गई, यहाँ पर चार सारे चैनल ऑन हो गए यहाँ पर, और देखिए वापस वैसा का वैसा आ गया। अब अगर मुझे वो सेटिंग नहीं रखनी है, तो यूटिलिटी में जाना है, सिस्टम में जाना है, और लास्ट को वापस डिफॉल्ट में करके अब मैं क्या करूंगा, अब बंद करूंगा और अब ऑन करूंगा, तो मेरा बाय डिफॉल्ट मतलब 0 सेटिंग में चालू होगा, सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे और जैसा पहला चालू होता था वैसा ही चालू होगा, ठीक। जैसे कि मैंने बताया 25 से 30 सेकंड लेता है बूटिंग के टाइम पे। यहाँ पे आप देखिए कि हर एक का कलर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, इस तरह के आपको कलर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए।
देखिए अभी तो उसमें सेव नहीं हुआ था, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, अब बाय डिफॉल्ट है, अब अपन बंद करके फिर से चालू करेंगे। तो इसमें कैसा है ना, इसमें चैनल के हिसाब से डाल दिए है। देखो चैनल वन का कलर ये है, इस प्रोब में लगाएंगे तो ये वाला फंक्शन यूज करेगा, इस प्रोब में लगाएंगे तो ये यूज करेगा, और इस प्रोब में लगाएंगे। ओके बहुत ज्यादा जूम कर लिया है, अच्छा। तो इस प्रोब में लगाएंगे तो ये यूज करेगा, इस प्रोब में लगाएंगे, इस वाले प्रोब में लगाएंगे तो ये यूज करेगा, और इस वाले प्रोब में लगाएंगे तो ये यूज करेगा। अब आप नोटिस करो सारे चैनल देखो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो गए और एक ही चैनल चालू है, ठीक है। तो ये आपने आई होप कि समझ लिया होगा। अब कैसा है यहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स कैसे आएंगे, इसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा ना छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ में भी आएगा, आप लोग देखते भी हो, लंबे वीडियो देखते नहीं हो और मेहनत भी हमारी ज्यादा चली जाती है। छोटे वीडियो में हमें पता भी चलता है कि अगले वीडियो हमें बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर किसी ने इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो केस वन देख लो, ये केस टू है, और केस वन आपको इसी वीडियो की लिस्ट में मिल जाएगा जहां आप ये चैनल पे देख रहे हो। पर इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने भाइयों के साथ शेयर कर देना, अगर आप में थोड़ी भी लगता है कि भाई सर ने इतनी मेहनत की है तो आप भी उनके लिए शेयर कर देना ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे, ठीक है। अब ये दो क्या है, ये दो आपको मैं बताना चाहूंगा, इनको ये जो रोटेटर जैसा है ना, तो एक इसमें वोल्टेज का है और एक इसमें फ्रिक्वेंसी का है। तो एक कह सकते हैं डिवीजन यहां पर और ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो और ये जो दो ऊपर क्या है, ये आपका बेसिकली ये देखो ये अप एंड डाउन करने के लिए है और ये लेफ्ट और राइट करने के लिए है। बट क्योंकि ये केस टू है तो केस टू में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। अब आप क्या करना, आप सबसे पहले अपने 8DSO को जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपने कैलिब्रेट कर लिया, आप इसको ऑटो कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। किस तरीके से, आपने देखिए प्रोब लगाई, मैंने चैनल वन पे प्रोब लगाई है, ठीक है, ये देखिए प्रोब लग गई और ये इसकी प्रोब है। अब आप देख सकते हैं कि कितना नॉइस आ रहा है, इसको नॉइस कहते हैं जिस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। और अब क्या किया, ये देखिए जिस तरह से मैं इससे चीजें हटाता जा रहा हूं, एक मिनट जरा मैं कैमरे को अपनी तरफ कर लूं, जिस तरह से मैं चीजें हटाता जा रहा हूं उस तरह से इसका नॉइज भी कम होता जा रहा है। ये हमने नॉइज ये हमने इसलिए लगाया ताकि ये हमारे पहले से प्रीसेट हो, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छी बात कैसा है, इसमें देखिए इसके प्रोब में आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपको हुक जैसा मिलेगा, जैसे हुक होता है ना कपड़े टांगने वाला, इस तरह से कपड़े टांग लेते हैं, और इसके अंदर आपको क्रोकोडाइल प्रोब मिलेगी जैसे कि नॉर्मल प्रोब होती है। ये वाली प्रोब तो क्रोकोडाइल नहीं है, मतलब ये आपकी नॉर्मल नीडल प्रोब है और ये आपका हुक है, ठीक है, ये है क्रोकोडाइल प्रोब। तो ये वाला जो प्रोब होता है ना ये ग्राउंड होता है और ये वाला आपका टेस्ट पॉइंट होता है, और यहाँ पर आपको कैलिब्रेशन मिलता है आपके वायर का। तो जो भी अगर आपको पल्स यहाँ पर डिस्टर्ब मिलेंगे तो यहाँ से हम इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है X10, X1 इस ये क्या है, तो ये मैं भी आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो ये काफी अच्छा समझने के लिए होगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको ऑटो कैलिब्रेट करते हैं। सो आपको करना कैसा है, आपको इसको यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आई गैस आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर एक ऑटो कैलिब्रेशन का आपको यहाँ पर कपलिंग करके आपकी कह सकते हैं कि एक जनरेटर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेटर दिया हुआ है, जिसमें ये नीचे ग्राउंड है और नीचे यहाँ पर आपको 3 Hz की फ्रिक्वेंसी दी है, 3 Hz और नहीं सॉरी 1 kHz की फ्रिक्वेंसी दी है और 3 वोल्टेज के साथ। तो इस वाले DSO में ना ये ग्राउंड लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राउंड इस प्रोब के साथ इंटरनली है। तो अगर मैं आपको बात करूं, ऐसा नहीं है PCB में लगानी पड़ेगी नहीं तो नॉइस आएगा। तो जैसे मैं इसको इसमें भी कनेक्ट कर दूं ना, और अब देखो कनेक्ट करने के बाद में ये आपको है ना अपने काम शुरू करने से पहले हमेशा करना, चालू करने के बाद। अब देखो ये कनेक्ट किया बट यहाँ पे देखो सीधी लाइन आ रही है, डेट मीन कोई फ्रिक्वेंसी नहीं दिख रही है, वोल्टेज दिख रहा है। और क्योंकि यहाँ पे 10 मिली वोल्टेज है, ये वोल्टेज भी सेट नहीं है, तो हम यहाँ से इसको वोल्टेज भी हम सेट कर सकते हैं, बट अब इसको करेंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या करें, हम ऑटो का यूज कर सकते हैं। सो ये ऑटो फंक्शन ऑब्वियसली आपको यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम इससे ऊपर भी सीखेंगे अपने कोर्स के अंदर, पर हमारे लिए जो सबसे बेस्ट होगा हम वो सारी चीजें सबसे पहले सीखेंगे। ऑटो को फंक्शन करने से क्या करता है, ऑटो कैलिब्रेट कर लेता है और आपको एक फ्रिक्वेंसी लेवल पे ले आता है। बट इसको मैन्युअली करने के लिए मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक। ये ऑटो का बटन दबाया, अब देखो वो क्या करेगा, आपकी फ्रिक्वेंसी बना देगा, ये देखो ये फ्रिक्वेंसी बना दी है, ठीक है।
अब ये फ्रिक्वेंसी बना दी है यहाँ पर, और बट अभी हमारे को यहाँ पर वोल्टेज नहीं दिख रहे, अभी हमारे पास यहाँ पर 5 वोल्ट सिलेक्टेड है, और हम इससे इसको ये देखें ये क्या हो रहा है, ये फ्रिक्वेंसी के पीरियड है कम ज़्यादा करने के लिए, और ये क्या, ये टाइम है, ठीक है। अब आप नोटिस करना, मैं इसको नीचे करता हूँ, ये देखो अप डाउन से यहाँ पर ये दिख रहा है, ये नीचे हो रहा है, ये नीचे हो रहा है, ये ऊपर हो रहा है इस तरीके से, और ये लेफ्ट और राइट हो रहा है, ये और इसको बीच में इसको दबा देंगे, देखिए हम इसको बीच में लेके आएंगे प्रॉपर, ये देखिए देखिए धीरे धीरे ऊपर लेके आ रहे, ये बीच में आ गई, और ये वाला जो स्केल है इसको लाइन के बराबर लाएंगे ये, तो ये जो हमें जो फ्रिक्वेंसी बन रही है। अब यहाँ पे हमें क्या पता, हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी बन रही है, क्या बन रही है, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हमको ये बता रहा है कि हाँ हमारी फ्रिक्वेंसी बनाकर दे रहा है। अब सपोज इस तरह की अगर आपकी फ्रिक्वेंसी बन रही है तो फिर आप कैसे पता करोगे, देखो तो ऑटो बटन तो दिया हुआ है, पर ऑटो बटन तभी काम करता है जब आपके वोल्टेज स्टेबल हो, अगर आपके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हो तो ये फिर आपको मैन्युअली कैलिब्रेट करना पड़ेगा, जो कि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप आईफोन की बेसिक से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, जहां आपको आईफोन 6 से 11 प्रो मैक्स तक कंप्लीट सेक्शन वाइज ट्रेनिंग, जिसमें 14 प्रो मैक्स तक नैंड प्रोग्रामिंग और डीएसओ रिगोल प्लस यूटीडी के साथ सीपीयू रैम आईसी का सेफ मोड पर चाइनीज टेक्निक बताई गई है। यह कोर्स सिर्फ 7999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपके पीसी और मोबाइल दोनों पर चलेगा।